Good morning, children. As you know that we have yesterday finished the comprehension part and even the language structure part of your new chapter, Why Do Bees Buzz? So after completion of this chapter, now we'll move towards the Grammarly. And in Grammarly, the two things which I'll be telling you, explaining you, is first is relative pronouns and the second one is indefinite pronouns. So what are relative pronouns and what are indefinite pronouns? First of all, I'll explain and then we'll just do it with some examples also. So pronouns that relate or refer to or relate to some nouns that go before and join two sentences are called relative pronouns. So aise pronouns jo ki दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और रिलेशन दिखाते हैं उन दोनों के बीच में, रिलेशन या फिर उनकी तरफ रेफ़र करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, जिससे पता चलता है कि व्हाट आर दे आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. सो रिलेटिव वर्ड ही ऐसा है कि जिससे रिलेट कर सकें, जैसे कि उसका, हुज, किसका, हुज, हु, कौन, विच. सो ये इस तरीके के जो हैं वो है, इससे पता चलता है कि ये किसी के हैं, इट बिलोंग्स टू समवन और इट रिलेट्स टू समवन. ठीक है. सो अब इसमें भी पहचान के लिए दे आर एक्सप्लेनिंग अस कि किस तरह से हम पहचान की जाती है, किसके साथ क्या यूज़ किया जा सकता है, जैसे दैट, हु, हुज, विच, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज़ किए जाते हैं. ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी यूज़ किया जा सकता. वी यूज़ इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. सो फर्स्ट इज़ दैट. दैट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू पर्सन्स थ्रू इट, दो इट कैन बी यूज्ड फॉर रेफरिंग टू थिंग्स एज वेल. दैट जो है वो पर्सन की रेफरेंस को, लोगों की रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है. दो, जबकि वो यूज़ किया जा सकता है थिंग्स के लिए भी, चीज़ों के लिए भी दैट यूज़ किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज़ हु. हु एज अ रूल, हु का जो एज़ पर रूल क्या है, इज़ यूज फॉर पर्सन्स ओनली. ज़्यादातर वो लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है. इट कैन बी बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. हु जब यूज़ किया जाता है रिलेशन के लिए, रिलेट करने के लिए, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. समटाइम्स इट इज़ यूज फॉर रेफरिंग टू एनिमल्स. कभी कभी वो जानवरों को रिलेट करने के लिए, जानवरों के बारे में बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट word is whose. Whose is used in speaking of persons but sometimes of things without life. It is also sometimes used as a substitute for of which. So whose जो है वो generally persons, जो लोग हैं उनके लिए use किया जाता है, but कभी कभी ऐसी चीज़ों के लिए भी use किया जाता है जिनमें life नहीं होती, that means non-living things. कभी कभी इट इज़ यूज एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ विच. ऑफ विच अगर किसी जगह हमें लगाना है, और अगर हम कई बार ऑफ विच की जगह हम हुज को भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर बेसिक स्मॉल रूल्स. आपको ये रूल्स देखने पड़ेंगे सो दैट यू नो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग दीज थिंग्स. ठीक है. नाउ विच इज़ यूज इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स. इट मे रेफर टू सिंगुलर और प्लूरल नाउंस. जो विच वर्ड है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ इसकी रेफरेंस दी जाती है. ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली व्हेन वी डू दिस द पार्ट ए ऑफ Grammarly. So first is insert the appropriate relative pronouns in the sentences given below. So हमें relative pronouns इसमें डालने हैं, so that the word which relates, जो relate करता है वो वाला pronoun. So the crowd dash had gathered was rowdy. The crowd which had gathered was rowdy. So यहाँ which आएगा, whose नहीं आ सकता. whose तो जिसका, तो ठीक है. तो crowd which has gathered was rowdy. Next, I sent for the child dash appeared at once. I sent for the child who appeared at once. Child is a single person and who आएगा इसके साथ, तो we'll write who. The moon dash gentle light is a relief from the sun is regarded as a mother. The moon whose gentle light, जिसकी gentle light, moon जो है, the moon whose gentle light is a relief from the sun. So here we'll use whose. Now the fourth one, he said he had seen me running dash is a big lie. He said that he has seen me running, which is a big lie. Which आएगा, जो कि झूठ है. Which,
सो वील यूज़ विच. सो इट इज़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह हमें वर्ड को यूज़ करना है. दिस इज़ द हाउस डैश जैक बिल्ड. अब हाउस क्या है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ड. ये वो घर है जो जिसे जैक ने बिल्ड किया था. सो दैट आएगा. नेक्स्ट इज़ द गर्ल लॉस्ट हर रिंग डैश वॉज मेड ऑफ गोल्ड. गर्ल ने अपनी रिंग खो दी जो कि सोने की बनी थी, तो विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. सो विच आएगा. द गर्ल लॉस्ट हर रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. सो वील यूज़ द वर्ड विच. द टाइगर डैश वॉज कॉट लास्ट वीक हैज़ बीन सेंट टू द जू. द टाइगर विच वॉज कॉट लास्ट वीक हैज़ बीन सेंट टू द जू. टाइगर के साथ अगेन वी ऑल वील यूज़ विच. नाउ द नेक्स्ट इज़ आई सॉ अ मैन डैश हेड वॉज बॉल्ड. आई सॉ अ मैन हुज हेड वॉज बॉल्ड. सो हुज वी विल यूज़. नाउ वील मूव टू द इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी है जो किसी स्पेसिफिक नाउन को रेफर नहीं करते हैं, जैसे नोबडी, समबडी. इसमें कोई पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं कहा है. एवरीबडी, सम, एनी, मैनी, ईच, ये इस तरीके के जो प्रोनाउन है इसमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है. सो दे विल बी इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इस तरह के वर्ड्स इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं. द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक नाउंस आर रेफर टू एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस. और एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, सम, एनी, ईच, एवरी वन, नो बडी, समबडी, ऐसे करके. ठीक है. सो नाउ अगेन इट इज़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. हम सेंटेंस में किस तरह से उसका मीनिंग बन रहा है वैसे ही यूज़ करेंगे. सो नाउ वी हैव टू चूज़ अ करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड वी हैव टू फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. सो फर्स्ट इज़ आई डिडंट सी माई फ्रेंड एट द जिम. इन फैक्ट आई डिडंट सी डैश देयर. सो मैंने अपना फ्रेंड जिम में नहीं देखा. इन फैक्ट मैंने कोई भी नहीं देखा. सो आई, यहाँ पर क्या आएगा, एनीबडी. सो आई, इन फैक्ट आई डिडंट सी एनीबडी देयर. मैंने फ्रेंड तो देखा ही नहीं बट मैंने किसी को भी नहीं देखा. तो वहाँ समवन नहीं आएगा, इसमें आएगा एनीबडी. नाउ नेक्स्ट विल बी प्लीज़ टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वॉन्ट टू बाय डैश. सो वी डोंट वॉन्ट टू बाय एनीथिंग. समथिंग नहीं होगा, कुछ नहीं खरीदना चाहते हम, कुछ नहीं खरीदना चाहते. सो एनीथिंग, कुछ भी नहीं खरीदना चाहते. सो एनीथिंग आएगा. दिस विल बी द राइट प्रोनाउन. नाउ द नेक्स्ट इज डैश वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी बट ओनली डैश केम. सो एवरी वन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बट ओनली अ फ्यू केम. सभी को पार्टी में बुलाया गया था बट कुछ ही आए थे. बट ओनली अ फ्यू केम. सो सेंटेंस का सेंस बनना चाहिए. सो हम उल्टा नहीं लिखेंगे, हम सीधे सोचेंगे कि क्या है. एवरी वन, सबको बुलाया गया था और कुछ ही आए. सो एवरी वन इन द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फ्यू इन द सेकेंड वन. नाउ फोर्थ सेंटेंस इज डैश हैज़ द सेम बुक. सो सम हैज़ द सेम बुक नहीं होगा. नो बडी हैज़ द सेम बुक्स. किसी के पास भी सेम बुक नहीं है. सो नो बडी. नाउ ऑल दो दे लुक फॉर अ रेयर फ्लावर डैश दे फाउंड इट डैश. ऑल दो दे लुक फॉर द रेयर फ्लावर एवरीवेयर. उन्होंने सब जगह ढूंढा. दे फाउंड इट नो वेयर. बट उन्हें वो कहीं नहीं मिला. सो दिस मेक्स परफेक्ट सेंस कि उन्होंने सब जगह ढूंढा फ्लावर को बट उन्हें वो रेयर फ्लावर कहीं नहीं मिला. सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स एवरीवेयर और उसके सेकेंड वाले में आएगा नो वेयर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डैश इज़ हेयर टू सी यू. डैश इज़ हेयर टू सी यू. सम वन इज़ हेयर टू सी यू. एनी वन इज़ हेयर. कोई भी आ गया तुम्हें देखने के लिए नहीं होगा. सेंस किससे बनता है? सम वन इज़ देयर टू सी यू. कोई आप तुम्हें देखने के लिए आया है. सो लाइक दिस these indefinite pronouns should be used while making sense to the context. जब आपके sentence का सही sense और meaning बनेगा, इस तरीके से आपको ये choose करना है. and I have provided the notes for all of these and you can just see and write it neatly in your book only. So students, whatever grammar glee portion and even language structure portion, you have to do it in your textbook only with your pencils. You need not write it again in the notebooks. Notebooks mein likhne se it will cover so much of space and your time will be wasted. So spaces are provided and you have to write it in your books only. So I hope it is known to you and you
understood it properly. If you still have any doubts regarding these concepts of Grammarly or anything from this chapter, we can discuss it before tomorrow's class. So thank you and have a nice day.